प्रिय विद्यार्थियों, आरसीएच है बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया था प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल और जो विकृति होती है उसका जो अनुपात है, हम उसे ही कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, यानी प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक जो बल लगता है उस पर डिपेंड करता है। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति और पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले जो अंतर आणविक जो बल है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता जो गुणांक है इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये अनुपात होता है प्रतिबल और विकृति का। अगर हम इसकी विमा की बात करें, इसकी विमा होती है एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये इसकी विमा होती है प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। ठीक है, अब ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है ये मुख्य रूप से भाई तीन प्रकार का होता है। तो इसमें जो पहला प्रकार आता है, यानी ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है तीन प्रकार का होता है। नंबर हम एक पर बात करें, नंबर एक पर इसका पहला प्रकार आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो किसका पहला प्रकार है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। देखिए भाई, क्या होता है कि जब कोई वस्तु होती है या पदार्थ होता है, जब किसी पदार्थ पर या जब किसी वस्तु पर हम एक निश्चित दिशा में एक विरूपक बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो जो पदार्थ होता है उसके अंदर अनुधैर्य विकृति जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी जब किसी पदार्थ पर या जब किसी वस्तु पर हम एक निश्चित दिशा में विरूपक बल लगाते हैं, यानी बाह्य बल लगाते हैं, तो उसमें अनुधैर्य जो विकृति है वो उत्पन्न हो जाती है। और उस कंडीशन में जो यंग जो प्रत्यास्थता गुणांक है ये हो जाएगा अनुधैर्य प्रतिबल, अनुधैर्य प्रतिबल और अनुधैर्य जो विकृति है, अनुधैर्य विकृति है। तो देखिए अनुधैर्य प्रतिबल और जो अनुधैर्य जो विकृति होती है इसका जो अनुपात है, ये अनुपात ही कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और ये जो गुणांक है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, हम इसको y के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हो जाएगा अनुधैर्य प्रतिबल बटा अनुधैर्य विकृति। यानी हम इसको y से दर्शाते हैं, हो जाएगा अनुधैर्य प्रतिबल बटा अनुधैर्य विकृति। अब ये जो प्रतिबल होता है, अनुधैर्य जो प्रतिबल होता है, जो कि इसका जो मान है, यानी अनुधैर्य जो प्रतिबल है इसका मान होता है F बटा A, यानी बल बटा क्षेत्रफल। और जो विकृति होती है, विकृति जो कि अनुधैर्य जो विकृति होती है इसका फॉर्मूला होता है भाई, ये होती है डेल्टा L अपॉन L। तो हम दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा Y बराबर अनुधैर्य प्रतिबल यानी कि F बटा A और विकृति आ जाएगी डेल्टा L अपॉन L। संख्या ऊपर चार हो गई, हम इसको इससे गुणा कर देंगे और हम इसको इससे गुणा कर देंगे। तो भाई देखो ये हो जाएगा y बराबर
ये हो जाएगा वाई बराबर एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ठीक है, यदि यहाँ पे बल जो है एफ का मान अगर एम जी हो एफ का मान, तो यहाँ एफ का मान आ देंगे एम जी, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल एम जी इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पे ये जो हमें फॉर्मूला जो है ये प्राप्त होगा हमें फॉर्मूला यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने बहुत सिंपल सी बात है, हम प्रतिबल जो है और जो हम विकृति है हम उसका अनुपात देखेंगे और हम दोनों के जो मान है यहाँ पे रख देंगे प्रतिबल और विकृति का, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें फॉर्मूला जो है प्राप्त हो जाएगा। ये अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।